गुड मॉर्निंग ऑल डिग्निटरीज, प्रिंसिपल सर, चेयरपर्सन मैडम रागनी शर्मा जी, डीन यूजीसी, ऑल एफपीओ सीईओ बीओडी ऑफ गुरदासपुर बटाला एंड नाबार्ड, मंजीत सर आए, मंजीत सर नहीं आए, सो आई वेलकम ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजीसी अमृतसर। सो कल बात भी हो रही थी सर से, ये हमारे चेयरपर्सन सर हैं, तो थोड़ा सा ग्लिम्स भी दे दूं हमारे डिग्निटरीज का। ये मैडम राघवी शर्मा जी आपके बगल में है। अभी सर हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर का अवार्ड जीता केवीके धर्म तारण में। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बिजनेस कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंसी का भी हम लोग काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो वो हम देते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मिल्क आपने नहीं सुना होगा अभी तक, ये कॉन्सेप्ट मुंबई में चल रहा है, जहां 500 लीटर के दूध खरीदते हैं लोग सिर्फ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मिल्क कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। और ये हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर एजीसी प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी। ये हमारी टीम एग्रीकल्चर है जिसमें पर्पल व्हीट हम लोगों ने ग्रो कराया था, तो उस टाइम पे कुछ फोटो ली थी। ये फैसिलिटी हमारी एजीसी ऑर्गेनिक एग्रो फार्म पे, पाली हाउस, वर्मी कंपोस्टिंग, मशरूम कल्टिवेशन, इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं हम, हाइड्रोपोनिक्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन, मेडिसिनल प्लांट्स, किचन गार्डन, बोनसाई गार्डन। तो एक फोटोग्राफ भी हमने रखी है थोड़ी सी आपके लिए, क्योंकि इसी बहाने आप घूम लेंगे। ये एजीसी ऑर्गेनिक फार्म है एंड वर्मी कंपोस्ट यूनिट, हाइड्रोपोनिक्स, मशरूम यूनिट, पॉली हाउस, एक्वापोनिक्स भी कर रहे हैं फिश पॉन्ड के थ्रू। इसमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उसको ही हम पूरे फार्म में देते हैं, कोई केमिकल कोई पेस्टिसाइड नहीं दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर का कोई भी खर्चा ना करके, कोई केमिकल ना पाके, और जो भी रेन वाटर होता है उसको भी हम लोग हार्वेस्टिंग यूनिट लगा रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से पूरी फैसिलिटी है। आयुर्वेदिक गार्डन हमारे पास, इसमें डिफरेंट तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे मेहंदी, लेमन ग्रास, ऑर्गेनो, सुगंधा, बहुत सारे प्लांट हैं। तो डीएसआर टेक्निक से केवीके एसोसिएशन में हमारा अभी भी प्लान हो रहा है, एक दो दिन में होगा, अगर किसी को देखना होगा तो आ सकता है। एंड जैसा मैडम ने बताया, दीप्ति मैम ने, कि अभी हम लोग को एज ए नोडल सेंटर रिकॉग्निशन मिला है मैनेज से, और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस, तो इसमें फर्स्ट बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद इन वन मंथ। ये मेरा टॉपिक है, प्रॉब्लम एंड सजेस्टेड सोल्यूशन इन डेयरी फार्मिंग इन पंजाब। बहुत सारी चीजें सर ने बताई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, चारे से लेके, रखरखाव से लेके, डिजीज से लेके, और उनका हाइजेनिक कंडीशन से लेके, सेल्फ लाइफ बढ़ाने से लेके, जिसके लिए मोहाली में धरना भी हुआ था कि प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्राइस तो बढ़ाने का तरीका भी है, और साइड में भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना के भी प्राइस हम निकाल सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं आपको शायद पता भी नहीं होगा, 1 जून को मनाते हैं, और इंडिया में सर ने भी बताया था डेटा कि सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन अभी इंडिया का डेटा आ रहा है सभी कंट्री से, और पंजाब इस समय 4th से 2nd रैंक में आ चुका है, 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एंड स्टेट टूडे रैंक 1st इन कॉमर्शियल डेयरी। अभी पंजाब का रैंकिंग 1st हो गया जो इस साल का डेटा है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेयरी फार्मर्स कंट्री में पंजाब का ही है। तो पंजाब के लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि इस पर डिस्कशन हो, और आई एम वेरी थैंकफुल टू नाबार्ड गुरशरण सर, इन्होंने अप्रोच किया कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे डॉक्टर साहब सॉल्व होगी, इस पर से डिस्कशन की जाए। तो आप लोगों ने टाइम निकाला इसके लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। क्या क्या चैलेंजेस है सर ने भी डिस्कस किया था, मैं भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन की, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, और फीड एंड फॉडर की तो सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि 75% कॉस्ट तो आपकी फीड एंड फॉडर पर चली जाती है। डिजीज मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे क्लिनिक के लिए, एग्री क्लिनिक, तो ये इसी का पार्ट है कि डिजीज होगी तो कैसे रोकथाम करेंगे। तो डिजीज केवल एनिमल को भी नहीं हो रही है, मिल्क को भी हो रही है, जिसमें काफी इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल पर्सन को आपको रखना पड़ेगा, जो कि उसका काम ही रहेगा कि पूरा ये चीज वॉच करे। कोई भी जानवर है उसको डिजीज कभी भी हो सकती है, और इसी तरह से मिल्क भी कभी भी खराब हो सकता है, उसमें कई तरह के बताऊंगा कि किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो मेजर कॉस्ट हमने बताया फीड एंड फॉडर की है, और डेयरी फार्मिंग बिजनेस इट्सेल्फ इट्स अ वेरी कॉस्टली।
तो इकोनॉमिकल क्राइसिस की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और डिजीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है एनिमल्स में डिजीज की, वह है मास्टाइटिस, जो कि मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से मिल्क कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ब्रीड का भी बहुत ज्यादा रोल है, काफी एक्सपेरिमेंट भी हुए फॉरेन में कि ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के इंजेक्शन देके बढ़ा सकते हैं मिल्क को, तो बट अभी वो बैंड हो चुका है टोटली। और गाय और भैंसों में किसको ज्यादा रखना चाहिए कमर्शियल पर्पज से, तो अभी मैंने एक रिसर्च पेपर देख रहा था मैं, उसमें गायों को ज्यादा उसमें प्रेफर किया गया इन कंपेयर टू बफेलो, तो ये भी है। और हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करना, तो स्ट्रिक्ट, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका बहुत ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक हम हाइजेनिक, क्योंकि जितना भी फूड स्पॉइलेज हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम है कॉस्ट से रिलेटेड, अगर कोई चीज खराब हो गई, अगर एक भी खराब नहीं हुई तो पूरी की पूरी कॉस्ट मिल जानी है, लेकिन अगर 50% 30% कुछ भी खराब हो गया वो सारी कॉस्ट में से जानी है। तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हाइजेनिक कंडीशन की। तो फॉडर की जो समस्या होती है, इसको हम एडवांस में एक सिलेज टेक्निक होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री हमने देखी, जैसे पीटीयू के पास में एक बहुत बड़ी सिलेज इंडस्ट्री है, वहां पे भी मैंने देखा, और अजनाला में भी घर है एक इंडस्ट्री, तो काफी लोग इस पे इंस्पायर हो रहे हैं। अपना फार्मर्स या एफपीओ को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना भी बना सकते हैं, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग केवीके तरन तारण में अवेलेबल है, डॉक्टर अनिल है वहां पे, वो इसके एक्सपर्ट हैं, तो अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए होगा तो इसकी ट्रेनिंग हम दिलवा देंगे। एक साल तक आप पूरा ऑर्डर आप रख सकते हो, तो इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी चारे को, इसमें मल्टीविटामिन भी डाला हुआ है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें सब कुछ, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब बाहर से आपको कोई चारा नहीं खरीदना पड़ेगा, आपका बना बनाया है, और इसका पूरा बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आप सिंपल कंटेनर में बना सकते हैं इसको। एक फॉर्म इंस्पेक्टर की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो, जो कि जिसको डिजीज की जानकारी हो, और जो कि लैब में जाके फ्रिक्वेंटली आपका डेली बेसिस पे एक मिल्क की क्वालिटी भी और चारे की क्वालिटी और जो एनिमल्स हैं उनकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, गले में है, अडर में है, तो वो सारा चेक कर सके। तो सबसे ज्यादा वेटनरी हेल्थ केयर पे ध्यान देना पड़ेगा। वैक्सीनेशन काफी अवेलेबल है, इसकी जानकारी चार्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो उसकी वजह से वो डिजीज होगी, अचानक से मिल्क चला जाएगा, इतनी भी अच्छी ब्रीड आप रख ले, मिल्क जो है गाय भैंस में गायब हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इलाज में इतना खर्चा हो जाएगा और वो जो गैप बनेगा वो भी एक लॉस का बड़ा कारण बनेगा। क्वालिटी ऑफ मिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल लोड चेक होता है, इससे जितना आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी बिरका का या अमूल का, मेरी एक स्टूडेंट है अमूल में, हेड इंस्पेक्टर है, तो मैंने उससे बात करी थी कि उसका क्या रोल होता है, वो कहती है कि जितना मिल्क आता है, ऐसा नहीं कि सारा अमूल का ही आता है, बाहर से भी वो लेते हैं, कंटेनर में इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी चेक होती है वो निकाल के सैंपलिंग तक चेक करते हैं, अगर सैंपलिंग में पास हो गया फिर तो वो पैक होगा, नहीं तो वो पैक नहीं होता, क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो पूरी एनालिसिस होती है, खाली एक चीज की माइक्रोबियल लोड की एनालिसिस नहीं हो रही है, उसमें जितनी एडल्ट्रेशन है, जितनी विटामिन है, जितनी फैट है, प्रोटीन है, सारी चीजों की वन बाई वन एनालिसिस हो रही है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बिफोर पैकेजिंग पे भी डिस्कस करेंगे बहुत सारी। और रेफ्रिजरेशन बहुत पुरानी टेक्निक है, रेफ्रिजरेशन आज भी करते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन में भी क्वालिटी आ गई है, नैनो सिल्वर कोटिंग आजकल आने लगी है, तो रेफ्रिजरेशन में देखेंगे जो पुरानी टेक्निक है उसमें काफी ऐसे फंगस या ऐसे माइक्रोबियल का इंफेक्शन हो जाता है जो कभी भी किसी तरीके से आप दूर नहीं कर सकते, और बार बार अगर उसी में आप स्टोरेज कर रहे हो तो इन्फेक्शन होना वो जाना नहीं। तो बहुत सारे कूलिंग मेथड है, एडवांस टेक्निक है, एक वीडियो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है, वो पूरा इंजीनियर्स का ग्रुप है जो वो टेक्निक भी अडॉप्ट करते हैं, वो बनाते भी हैं और हाईटेक फ्री में एडवाइस भी देते हैं। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मिल्क में बहुत ही ज्यादा मतलब खराब करते हैं, उसकी क्वालिटी को पूरा डिग्रेड करते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसमें स्मेल भी आएगी, फैट कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, आप मतलब उसका कोई भी साइड प्रोडक्ट भी बनाते हैं तो वो भी खराब ही बनता है। तो अगर ये सारा, इसलिए माइक्रोबियल लोड चेक होना चाहिए। आजकल स्पेशल पैकेजिंग हो रही है, आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आजकल ग्लास के बॉटल में मिल्क मिल रहा है, और वो मिल्क मिलता 35 का 200 ml। तो एक ये भी बिजनेस का बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि मिल्क, आपने देखा होगा एक तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती ग्लास,
ओपेक होती है, उसमें लाइट सीधे नहीं जा सकती क्योंकि लाइट और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दूध को खराब करती है। तो उनकी बॉटल बड़ी स्पेशल होती है। अब वो बॉटल वापस भी ले लेते हैं, उसका रीयूज भी कर सकते हो, तो उसका पैसा आपको बच जाता है, 5 से 6 रुपए एक्स्ट्रा पड़ता है ना, कंपेयर टू जो कन्वेंशनल पैकिंग आप प्लास्टिक में कर रहे हो उससे, क्योंकि प्लास्टिक में बहुत सारे हेल्थ इश्यू की वजह से कई लोग पसंद नहीं करते, तो ग्लास में वो नुकसान नहीं होता। तो ग्लास की पैकेजिंग की तरफ मूव करके एक उसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, और लोगों को जो हेल्थ कॉन्शियस है वो पैसे जब देने को तैयार है। अगर 200 ml आप 35 रुपए का खरीद रहे हैं तो 1 लीटर की कॉस्ट आप जोड़ लो, कितना हो गया, 5 टाइम हो गया, यानी हम 150 रुपए लीटर मिल्क वही खरीद रहे हैं। दूसरा है पाउच की पैकिंग, जो कि हम जनरली करते हैं, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, किसी भी कंडीशन में धूप में भी रख दीजिए तब भी टेम्परेचर को कुछ हद तक कंट्रोल करता है। सबसे स्ट्रांग जो पैकेजिंग है, जो कि गुरुसंत सर से मैं बात भी कर रहा था, वो है टेट्रा पैकिंग। इसमें टेट्रा पैकिंग नाम तो 4 लेयर का लगता है, लेकिन इसमें होती 7 लेयर है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी। ग्लास का बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि कोई भी लाइट की वजह से जो डिग्रेडेशन होनी है वो नहीं होगी, और रेट भी ज्यादा नहीं है, कॉस्टली भी ज्यादा नहीं है, और इसको रीयूज भी कर सकते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम जो यूज वन टाइम यूज वाली प्लास्टिक जो यूज करते हैं वो थ्रो होती है, वो डिग्रेड भी नहीं होती, इन्वायरमेंटल लोड बढ़ता है, उससे जानवर खाते हैं तो उनको कैंसर होता है, तो बहुत सारी तमाम समस्याओं से भी, और हाई कॉस्ट जो हमें मिलता है वो तो अलग से मिलता है। कभी भी इसमें न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होगा, फ्लेवर नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूध का होता है फ्लेवर। आजकल आप देखेंगे जो नई ब्रांडिंग स्ट्रेटजी आई है, नई सेलिंग स्ट्रेटजी आई है, वो है फ्लेवरिंग ऑफ मिल्क की। कोरोना टाइम में विटामिन डी मैक्सिमम लोगों में खत्म हो गया था, जिनको हल्का भी इन्फेक्शन हुआ, मुझे खुद भी हो गया था, तो विटामिन डी पूरा बॉडी में चला गया, तो मुझे एक कंसर्न था कि विटामिन डी कैसे बढ़ाऊं, तो एक तो सनलाइट सोर्स है, दूसरा एडेड फ्लेवर के रूप में डाल सकते हैं, एडेड कंटेंट के रूप में डाल सकते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, लोग देने को तैयार है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसकी 1 हफ्ते से ज्यादा आप रख सकते हो, सेलिंग काफी अच्छी बल्क लोड में कर सकते हो, जैसे गुरुसंत सर बोल रहे थे कि 2 दिन से ज्यादा हमारी मिल्क चलती रही है, और हम मिठाई बनाते हैं जैसे कि बता रहे थे, इसको मिठाई में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें में कन्वर्ट करते हैं, वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ मिल्क से ही आप उतना पैसा कमा लो तो एडिशनल लेबर, एडिशनल मिठाई बनाने की, और एक कॉन्सेप्ट और भी आया है शुगर फ्री, ठीक है ना, तो शुगर फ्री का कॉस्ट ज्यादा है, जो आप शुगर डाल के जो हेल्थ को खराब करने के कॉन्सेप्ट है उससे दूर जा सकते, तो शुगर फ्री का कॉन्सेप्ट बेस्ट, फ्लेवर भी रहेगा, शुगर से बहुत सारी क्वालिटी चेंज होती है, दूध खराब भी होता है, और जो उसमें जो इन्फेक्शन है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपने डाला वो इन्फेक्शन वहां से गया, बाकी चीजें आपकी सही थी लेकिन वहां से उसने सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। तो आजकल ये भी कॉन्सेप्ट है कि शुगर फ्री बनाइए, जिसको डालना होगा एक्स्ट्रा से डाल दे। टेट्रा पैकिंग का आप देख रहे हैं कितनी लेयर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर है, और हर लेयर का एक रोल है, जैसे फर्स्ट लेयर है बहुत सेंसिटिव होता है, एडिशनल लेयर है एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल का काम ही है कि पूरा किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं होने देगा किसी भी ऑक्सीजन को, लाइट को भी रुकेगा। पेपर की एक मोटी लेयर होती है और टॉप लेयर होती है प्लास्टिक की, जो कि बाकी चीजों से टेम्परेचर सडन चेंज हो गया, आप धूप में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो सब चीजों से इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता, 5 से 7 रुपए ज्यादा इसका कॉस्ट पड़ता है, तो वो अफोर्डेबिलिटी हो सकती है कस्टमर की, अगर उसको लगेगा कि यार हमें कई दिनों तक चलानी है तो बल्क में आपका खरीद के भी रख सकता है, जो 1 लीटर खरीदना है कि भाई खराब हो जाना है शाम तक इसलिए हम 1 ही लीटर लेंगे, वो 5 से 10 लीटर भी खरीद सकता है। एडवांटेज क्या है, 40% ज्यादा सेल्फ लाइफ है इसकी किसी भी कन्वेंशनल पैकिंग से, कहीं भी आप रख सकते हो, अगर फ्रीजिंग कंडीशन 20 भी है तब भी वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, और रिसाइकिल भी होता है, ये पूरा प्लास्टिक नहीं है इसलिए इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे ज्यादा सनरेज की प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, धूप से ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसमें एसीटेट बन जाता है मिल्क में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियां आजकल केमिकल डाल रही है जो एसीटेट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो एसीटेट को न्यूट्रलाइज करने का एक और भी तरीका है कि जब हम अल्ट्रा हीटिंग करते हैं तो उस टाइम भी एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एसीटेट जितना मिनिमम रहेगा उतना ज्यादा सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। जैसे आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखी होगी कि एड में भी आता है कि 90 डेज तक आप मिल्क रख सकते हो, तो इसमें उन्होंने यही सारी टेक्नोलॉजी लगाई है, उसमें एक सिल्वर नैनो पार्टिकल्स डालते हैं
दूसरा एसीटेट का एक इनहिबिटर डालते हैं जो कि एसीटेट को कभी भी अगर प्रोड्यूस होगा तो उसको जाके बाइंड करेगा। जब तक एसीटेट लैक्टेट नहीं आएगा दूध कभी खराब नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी HD इसको पैकिंग कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बॉटल भी अवेलेबल है मार्केट में। ये पाश्चराइज मिल्क रखने के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। इसमें 3 लेयर की प्रोडक्शन होती है, अल्ट्रावायलेट रेज बिल्कुल भी नहीं पास करती है इसमें, और किसी भी तरीके का आपको स्मेल नहीं आएगा इसमें पैकिंग के बाद। कोई प्रिजर्वेंट डालने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें एडेड चीजें नहीं डालने की जरूरत है, केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, कभी भी इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। और कोई भी केमिकल भी, इवन तेजाब भी अगर आप डाल दो इसके ऊपर तो ये रजिस्ट कर लेता है, इतना पावरफुल है। इसकी कॉस्ट भी 5 से 7 रुपए ही पड़ती है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और बल्क में अवेलेबल है। पाश्चराइजेशन आपको पता होगा, मैंने अभी एक, हाँ ये सारे टेक्निक है पाश्चराइजेशन, लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। मैंने बहुत सारे करनाल के डॉक्टर तिवारी हैं, वहाँ डायरेक्टर हैं, तो मैंने उनसे बात भी करी थी उस दिन पहले कि डॉक्टर साहब बताइए कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होता है, कौन सा टेक्निक फार्मर अडॉप्ट करे जिसमें कि उसकी मतलब कंसर्न ना रहे कि 3 दिन में ही खराब हो गया, 4 दिन में खराब हो गया। तो सबसे बेस्ट जो है वो टेम्परेचर है 280 डिग्री सेंटीग्रेड, और 2 से 3 सेकंड में। 2 से 3 सेकंड क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्पोर होते हैं वो स्पोर बनाते हैं, जितने भी रेजिस्टेंट इन्फेक्शस माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पोर के कारण जिंदा रहते हैं। तो उनका लोड तो कम हो जाता है, माइक्रोबियल लोड जब चेक करता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो उसमें लोड कम दिखाएगा, लेकिन स्पोर जिंदा रह गया तो वो सारा फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो आपने देखा होगा जब भी आपने अगर 60-70 में अगर आपने बॉयल किया और 2 सेकंड के लिए, और फिर आपने फोर्ड ग्रिप किया, तो वो 50,000 से लोड सीधा 2 लाख पहुंचता है शाम को, वो 2 लाख लोड मॉर्निंग हो जाता है 1 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब आप समझ लो 10 लाख से भी ज्यादा वो बढ़ जाएगा। तो उसके कारण ये फूड की स्पॉइलेज होती है। तो बेस्ट पाश्चराइजेशन ये टेक्निक है जो 1 वीक तक बिल्कुल आप कंसर्न बिना कंसर्न के रख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर 4 डिग्री पे रखते ही हैं, टेम्परेचर का 60 से हटा के 280 रिकमेंडेड डोज है इंडिया में, खास करके जितने पैथोजेनिक है सबको मारता है। और ये भी है कि 2 से 4 सेकंड से ज्यादा अगर कर देंगे तो क्या होगा, अगर टाइम बढ़ गई तो सारा जो टेस्ट है मिल का वो चेंज हो जाए, उसका जो फैट कंटेंट है वो खराब हो जाए। तो इसलिए क्वालिटी ना असर करे इसके लिए 2 से 4 सेकंड ही इसको करते। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, ये अल्ट्रा पाश्चराइजेशन टेक्निक इसको बोलते हैं। हीटिंग मिल्क टू 280 डिग्री फॉर नाइट और हायर फॉर 2 सेकंड, फॉलोड बाई रैपिड कूलिंग टू 4 डिग्री। इसका डिसएडवांटेज बता दिया, सेल्फ लाइफ आपकी 60-90 डेज, आराम से 1 महीने तक आप रख सकते हो टेट्रा पैकिंग में। टेट्रा पैकिंग में और भी ज्यादा हो जाती है, 6 मंथ की उसकी होती है। तो अगर SDP में भी करते हो तो उसमें भी आपका 60-90 डेज का मिल जाता है। इसमें स्मेल वगैरह चेंज नहीं होती, टेस्ट नहीं चेंज होता, ये सारी टेस्टिंग हो चुकी है, इसके आधार पर बता रहा हूँ। ब्रीड की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जो लिटरेचर से हमने बात किया और डॉक्टर तिवारी से जो बात किया करनाल के जो सेंटर डायरेक्टर है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि काऊ की ब्रीड में अगर आपको करना है तो ये 3-4 ब्रीड है जो कि मतलब 12 में से आपको 8 महीने तक अच्छे क्वालिटी में दूध दें। बफेलो में ये कुछ वैरायटी है, मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी गाय की वैरायटी है। गाय को ही उन्होंने ज्यादा रिकमेंड किया, क्योंकि ये वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा जब टाइम रहेगा, तो कैसे स्टरलाइजेशन की पूरी सारी टेक्निक है, ये 10 मिनट का वीडियो है। प्रोसेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरह की मिल्क आती है, टोंड मिल्क जिसके नाम से हम जानते हैं, तो फुल फैट होती है, सेमी फैट होती है, फैट फ्री होती है, ये सारा क्वालिटी बेस है, फैट को अलग करते हैं तो एडिशनल आपकी बेनिफिट हो जाती है उसको। मिल्क प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सर ने इस टॉपिक को टच भी किया था थोड़ा सा, और इसमें अगर स्टेप पूरा अडॉप्ट करते हैं तो आपकी लॉस बिल्कुल भी नहीं होगी, बाई प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और सब कुछ, कभी भी लॉस के सेक्टर में जाएंगे। तो इसमें पहला स्टेप होता है क्लेरिफिकेशन, सेकंड है होमोजेनाइजेशन, थर्ड पाश्चराइजेशन, फोर्थ है फोर्टिफिकेशन, फिफ्थ है ब्लीचिंग एंड लास्ट में डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो जाए वो भी काम खराब करता है। तो क्लेरिफिकेशन का करते हैं, जब मिल्क इकट्ठा करते हैं कंटेनर में, कई जैसे 100-500 गाय हैं या भैंस है उनका सारा मिल्क जब कंटेन करते हैं, तो उस टाइम पे पहला स्टेप ये होता है कि जितना भी स्मॉल पार्टिकल है ऊपर की थोड़ा सेंट्रीफ्यूजर में डाल के इसको
और ऊपर की लेयर जो आती है, क्योंकि जितने भी स्पोर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं, तो आप उनको सरफेस से थोड़ा सा वो हटा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया टेक्निक होती है बिफोर गोइंग टू पाश्चराइजर, पाश्चराइजर जाने के पहले अगर थोड़ा सा करते हैं पूरा का पूरा, इसको बैक्टो फिगेशन टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें सारा डेंसिटी का लोड आप हटा सकते हैं। दूसरा होता है छानना, एक माइक्रोफिल्टर आता है, स्पेशल माइक्रोफिल्टर जिसका साइज होता है 1.5 माइक्रोमीटर के आसपास, 99% माइक्रोवेव लोड तो यही खत्म कर देता है। तो बिफोर पाश्चराइजेशन एक टेक्निक है जरूर, लेकिन वो लास्ट में अपनाइए, पहले ये सारी बेसिक प्रोसीजर कर लीजिए। होमोजेनाइजेशन वही मैंने बताया, मशीन होती है जिसमें सारा चीज आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, घुमाते हैं और एक डिफरेंट लेयर बन जाती है, तो फैट आप हटा सकते हैं ऊपर से, बीच में से और किनारे से भी। ये प्रोसेसिंग पूरा यूनिट है जिसमें मिल्क प्रोड्यूसर, मिल्क कलेक्शन सेंटर, बल्क मिल्क कूलर, मिल्क चिलिंग, मिल्क क्लैरिफायर एंड देन रॉ मिल्क स्टोरेज। प्रोसेसिंग में पाश्चराइजेशन इसके बाद आ जाती है, फोर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, विटामिन डी अगर आप ऐड करते हो तो डबल रेट में आप मिल्क बेच सकते हो, मिल्क सेपरेशन, प्रोसेसिंग, क्रीम सेपरेटर यूज कर सकते हैं, पाउच पैकिंग का भी हमने बात किया था। होमोजेनाइजेशन मशीन है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी एडेड क्वालिटी हो जाएगी। पाश्चराइज मिल्क, होमोजेनाइज मिल्क, स्किन मिल्क, बहुत सारे, तो शुगर फ्री प्रोडक्ट बारे में थोड़ा सोचिए कि इस तरह की अगर चीजें आप लॉन्च करते हैं, ऑर्गेनिक मिल्क और फैट फ्री, कभी बार प्रोटीन फ्री भी आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्रीम, योगर्ट, बटर, चीज, ये एडेड पनीर, श्रीखंड, घी, खोआ, लस्सी, ये सारे प्रोडक्ट हैं। एक नया एवेन्यू आया है, एमएनआरए से हम लोग जुड़े हुए हैं, संत कपूरथला में एक सेंटर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर, तो वहां पे एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है जो काऊ डंग से आप सीएनजी बनाने की टेक्निक आप जान सकते हो। तो जितना भी काऊ डंग इकट्ठा हुआ तो वो काफी बल्क में हो जाता है, उसका मैनेजमेंट भी एक इशू है, आप उसके लिए एक जगह करते हो, फिर आप या तो बायोगैस अगर प्लांट लगा लेते हो तो बायोगैस में भी सिर्फ 30-40% मीथेन में कन्वर्ट हो पाती है, लेकिन अगर आप बायो सीएनजी में करते हो उसकी हाई कॉस्ट मिलेगी आपको। अभी बायो सीएनजी के जो गवर्नमेंट खरीद रही है वो 35 रुपीज पर केजी खरीद रही है, तो इसका हमने दिखाया एक डाइजेस्टर चाहिए होता है काउडंग आप ये डिपेंड करता है कि कितना आपके पास वेस्ट है, 10% ये मैडम डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 टन है काउडंग और सारा वेस्ट, तो हमारा 10% बनेगा, तो 1 टन का मतलब आप 5 टन का कम से कम टैंक चाहिए, वो सर्कुलर टैंक होता है, बहुत ज्यादा पानी की टंकी आप समझ लीजिए, घरों के ऊपर जो पानी की टंकी है वही है, बस वो हाइट उसकी बढ़ जाती है। कपूरथला में सर पीटीओ के पास में साइंस सिटी, साइंस सिटी, साइंस सिटी की जस्ट पड़े, तो वो इनके ही काम करते हैं। हाँ, फजलका में एक लगा भी है उन्होंने, तो वो क्या करते हैं कि मॉडल एक गांव एडॉप्ट किया है, तो जैसे पीओ आपका इसका है लाइव स्टॉक का, वैसे उन्होंने भी गोद लिया है, तो उसमें 5,000 एनिमल है, उनका काउडंग लेके पूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बायो सीएनजी बनाते हैं उसको सर, तो वो तो करीब आसपास के करीब 10 गांवों को फ्री बिजली दे रहे हैं, यूरिन और उसका सारा मिला के। और गाय रखने का फायदा एक और भी है, ये गुजरात में देखिए पहला प्लांट भी लग गया है, बायोगैस और बायो सीएनजी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, गोबर से बनेगा सीएनजी गैस, और सीएनजी आप जानते हैं पेट्रोल का दाम कितना भाग रहा है, अगर 35 मिनट तक आप 70 में बेचेंगे तब भी आपको, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कुछ नहीं है, लगाना नहीं है, प्लांट में 50% सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है वो भी, तो ये सारा प्रोसीजर है। हाँ, इसमें सारा एग्रीकल्चर वेस्ट भी आप डाल सकते हैं, वो भी आपका एडिशनल है। अब बीबीसी न्यूज ने कवर किया था इसको, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे भी काफी, आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर है उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि अगर गाय के इसमें जहर भी दे दे, गाय को उन्होंने जहर देना स्टार्ट किया, पॉइजन देना स्टार्ट किया, कि अगर इसको थोड़े थोड़े पॉइंट में जहर दें तो क्या यूरिन में आएगा, क्योंकि अगर यूरिन में आ गया तो फिर तो खत्म हो गया ना सारा खेल, क्योंकि जो भी खाती है वो चीजें वेस्ट, तो वो अगर यूरिन में डिटेक्ट हो गया, जैसे लेड हो गया, बहुत टॉक्सिक है, कोई भी चीज पॉइजन है, तो ये देखा गया कि 1 महीने के असेसमेंट भी किया और 6 महीने तक भी असेसमेंट किया, कभी भी जितना पॉइजन खाया वो उसके गले का जो लटकता है उसमें तो था, लेकिन कभी भी यूरिन में नहीं आया।
और मेडिकल एस्पेक्ट में काफी काम हुआ, तो ये भी सेल कर सकते हैं अमेजन पे। ये मैं देख रहा था 500 ml का 200 रुपए का है। तो आप दूध कितने लीटर, कितने रुपए लीटर बेच रहे हो? 60 रुपए लीटर बेच रहे हो। और यूरिन आप बेच रहे हो 200 रुपए का 200, यूरिन बेचो ना खाली टाइम में यूरिन। थैंक्स टू एवरीवन फॉर गिविंग टाइम, आपने इतना समय निकाला, सुना मेरे को, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन अगर आप चाहते हैं,